We're in the end game now. आपका तो पता नहीं बट एवेंजर एंड गेम के बारे में जब भी कोई न्यूज़ आती है तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। और अब तो एक ऑफिशियल लुक हमारे पास आ चुका है एवेंजर एंड गेम का, वो भी जिसमें सारे के सारे 6 ओरिजिनल एवेंजर्स हैं। उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो गाइज इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक बिल्कुल देखना ही देखना है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि इस नए लुक में हो क्या रहा है। तो वीडियो हो सच निगम, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम देख सकते हैं एवेंजर एंड गेम के फर्स्ट ऑफिशियल लुक में हमारे सारे के सारे 6 ओरिजिनल एवेंजर्स। मैं बिल्कुल भी इस बात में कोई भी आप भी मेरे से एग्री करोगे ही करोगे कि एवेंजर एंड गेम में ओरिजिनल 6 एवेंजर्स का अलग ही स्टोरी आर्क चलने वाला है और वो मिलकर कुछ बड़ा ही करने वाले हैं, क्योंकि फाइनली ये मूवी इन सारे एवेंजर्स की आखिरी मूवी हो सकती है, वो भी साथ में। तो एवेंजर एंड गेम ओरिजिनल 6 एवेंजर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे हिसाब से। तो लेफ्ट टू राइट की बात करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है थॉर। थॉर अपने वही लुक के अंदर है जो हमने इन्फिनिटी वॉर और थॉर रैग्नारॉक में देखा था, यानी उसके लुक में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। बट यहाँ पर हम कह सकते हैं थॉर अमेजिंग लग रहा है क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल एवेंजर की टीम के साथ में है। सो डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू डू समथिंग गुड। अब एवेंजर एंड गेम में थॉर के बारे में क्या करेगा, थॉर क्या करने वाला, उसका रोल क्या होने वाला है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसके बगल में मेरा फेवरेट सुपर हीरो आज तक का जो कि है आयरन मैन। ये सारी की सारी इमेजेस जो हमने पास्ट में देखी थी, जितने भी लीक रूमर्स हमने देखे थे, वो सारे के सारे अब कंफर्म हो गए हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर हमें दिख रहा है कि आयरन मैन के पास एक नया आर्मर होने वाला है जो कि कॉमिक एक्यूरेट है और पुराने समय से लिया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं गोल्ड कलर की उसकी आर्म्स हैं और गोल्ड कलर के उसके लेग्स भी हैं। एवेंजर एंड गेम में आयरन मैन का ये सबसे खतरनाक सूट और सबसे नया सूट होने वाला है, जिसमें होंगी सारी की सारी टेक्नोलॉजी और सारे के सारे वेपन्स। हम ये तक कह सकते हैं कि एवेंजर एंड गेम का ये जो आर्मर हमें देखने को मिल रहा है ये शायद आयरन मैन का लास्ट आर्मर होगा, क्योंकि इसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन को प्ले नहीं करने वाले हैं। सो दिस इज द लास्ट आर्मर दैट वी आर गोइंग टू गेट। इस आर्मर का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है Mark 85, और Mark 85 एवेंजर एंड गेम में मचाने वाला है धूम। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास आते हैं हमारे कप्तान मिस्टर कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका को उनकी हम नई यूनिफॉर्म के अंदर देख सकते हैं जिस पर वापस से लगा हुआ है एवेंजर का लोगो, यानी एवेंजर की टीम उन्होंने वापस से ज्वाइन कर ली है। और ये नया आर्मर थोड़ा सा अलग है, हम देख सकते हैं ये स्केल आर्मर है जो कि हमने किसी भी कैप्टन अमेरिका मूवी के अंदर नहीं देखा है, ना ही हमने एवेंजर्स मूवी के अंदर देखा है। तो ये एक नया आर्मर है और एक नए तरीके का सूट है। लेकिन गाइस बुरी बात यह है कि जब कैप्टन अमेरिका की डेथ हुई थी कॉमिक्स में तब उन्होंने स्केल वाला आर्मर ही पहन रखा है, तो आप मेरी बात समझ ही रहे हो गए तो क्या होने वाला आपको पता चल चुका है अब। तो डेफिनेटली इस आर्मर के अंदर कैप्टन अमेरिका मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इस बात की खुशी मुझे ज़्यादा है कि कैप्टन अमेरिका ने वापस से अवेंजर टीम ज्वाइन कर ली है। आई लव कैप्टन अमेरिका। इसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमें देखने को मिल सकता है जो कि है ब्लैक विडो। अब ब्लैक विडो के बारे में इस लीक प्रोमो आर्ट के अंदर या ऑफिशियल प्रोमो आर्ट के अंदर कुछ ज़्यादा ही दिखाया गया है। हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक विडो ने एक नए तरीके का सूट पहन रखा है, एक नया तरीके का उनका हेयर स्टाइल है जो कि हमने प्रीवियसली किसी भी मार्वल मूवी में नहीं देखा, यानी चोटी उनको बनाते हुए हमने किसी भी मार्वल मूवी के अंदर नहीं देखा है। और आपने एक डिटेल मिस कर दी होगी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गौर से अगर आप देखेंगे तो उनके उल्टे हाथ पर देख सकता है हमें वही क्वांटम डिवाइस जो कि क्वांटम रेल में जाने के लिए काम इस्तेमाल ज़रूर आने वाला ही है। तो अभी जितनी भी हमने लीक प्रोमो आर्ट देखी थी, लीक इमेजेस देखी थी, उसके अंदर हमें देखने को मिला था कि अवेंजर किस तरह का डिवाइस हाथ में पहनेंगे, और ये डिवाइस वही है, और ये चीज़ अब कंसर्न हो चुकी है। इसके बाद आगे जो अवेंजर है वो है मेरा लीस्ट फेवरेट अवेंजर जो कि है मिस्टर जेरेमी रनर के हॉकआई। यहाँ पर हम देख सकते हैं हॉकआई का वापस से हॉकआई लुक हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि शायद उन्होंने रोनिन का सूट पहन रखा है और ये अवतार दोनों के अंदर कॉम्बिनेशन की तरह हमें देखने को मिल सकता है। रोनिन का स्टोरी आर्क इस मूवी के अंदर एंड होगा, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जेरेमी रनर का हॉकआई कोई ज़्यादा फेवरेट अवेंजर किसी का है नहीं, बट स्टिल ही हैज़ प्लेड मल्टीपल ग्रेट रोल्स इन अवेंजर्स मूवी। अवेंजर मूवी के अंदर हॉकआई का कुछ अलग ही रोल है, और ये रोल अब एंड होने वाला है एवेंजर एंड गेम में, जो कि एंड अब हॉकआई नहीं रोनिन करने वाला है। तो डेफिनेटली दिस लुक इज अमेजिंग एंड मुझे लगा बहुत ही अच्छा लगा एक्चुअली में जेरी रेमिनर का रोनिन। इसके बाद आते हैं हमारे प्यारे प्रोफेसर जिनकी 7 PhD अब लगभग 8 होने वाली है इस मूवी के अंदर, यानी कि हमारे ब्रूस बैनर हल्क की कॉम्बिनेशन मिस्टर प्रोफेसर हल्क के बारे में। मेरे को पूरे के पूरे प्रोमो आर्ट में आयरन मैन को छोड़कर ब्रूस बैनर का लुक अमेजिंग लगा। आप एक्चुअली में मार्क रफलो का रिजेंबलेंस देख सकते हैं इसके फेस में, और यहाँ पर ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन की तरह लग रहा है जो कि ब्रूस बैनर हल्क के बीच में होने वाला है। और
ऊपर हल्का क्या रोल होगा इस मूवी के अंदर एवेंजर एंड गेम में, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्रोफेसर हल्क एक तरह का कॉम्बिनेशन है ब्रूस बैनर और हल्क के बीच में, यानी ब्रूस बैनर की इंटेलिजेंस और हल्क की ताकत, ये दोनों की दिनों हमें एवेंजर एंड गेम में मिलती हुई डेफिनेटली दिखने वाली है, जो कि अब प्रोफेसर हल्क का लुक हमें 100% देखने को नया मिल चुका है। तो ये थी गाइस हमारी एवेंजर एंड गेम की ऑफिशियल फर्स्ट प्रोमो आर्ट, कुछ भी इसको कह सकते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। लेकिन मैं अभी जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये कैसी लगी, अपने कमेंट सेक्शन में जो भी व्यू है मुझे बताना, बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोज, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। मैं उस अच्छे निगाह मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट डे।